अस्सलाम वालेकुम ख्वादीनो हजरात, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल अमल दुआ फॉर लव में इस्तकबाल करती हूँ। क्या आपका शौहर आपसे नाराज है? अगर हाँ तो आप हमारे मौलवी सूफी सुल्तान जैसे शौहर को खुश करने की दुआ ले सकते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि कुछ शौहर छोटी छोटी बात को लेकर अपनी बीवी से नाराज हो जाते हैं, जिसके कारण दोनों में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपने शौहर को खुश करना चाहते हैं तो आपको हमारे मौलवी सूफी सुल्तान जिससे शौहर को खुश करने की दुआ लेनी चाहिए, जिसे करते ही आपका शौहर आपसे बेशुमार मोहब्बत करने लग जाएगा, साथ ही आपकी केयर भी करेगा। तो आपको सबसे पहले अपनी नमाजों पर पाबंद रहना होगा, उसके बाद में आपको मौलवी जी द्वारा बताई हुई दुआ करनी होगी। दोस्तों, शादी एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें शुरुआतों के दिन में सभी सही चलता रहता है, पर जैसे जैसे समय निकलता रहता है वैसे वैसे ही रिश्ते में भी छोटी मोटी नोकझोंक होने लग जाती है, जिसका कारण झगड़े हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इन सबसे दूर रहें तो आपको सबसे पहले अपनी नमाज पर ध्यान रखना होगा, साथ ही अपने अल्लाह ताला पर भी भरोसा रखना होगा। उसके बाद में आपको नवचांद की इतवार को इस दुआ को करना होगा। तो शुरू में आपको सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़नी होगी, दुरूद शरीफ आपको 40 मरतबा बार पढ़नी होगी। उसके बाद में आपको मगरिब की नमाज को 40 दिन तक करना होगा। उसके बाद में आपको सूरह अरफ की आयत नंबर 179 को पढ़ना होगा, हुवल लाजी खललकुम सिलायकुम इलिहानुमा 11 मरतबा पढ़ना होगा, और अल्लाह से दुआ करें कि वो आप और आपके शौहर के बीच में सब कुछ अच्छा रखें और आपका शौहर आपसे हमेशा खुश रहें। अल्लाह की रहमत रही तो हम सबकी दुआ जल्द ही कबूल होगी। मुस्लिम भाइयों और बहनों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।